अमेरिका का जंगी जहाज तैनात है, जर्मनी फ्रांस की जो है वॉरशिप तक तैनात है, यहाँ तक कि भारत के भी जहाज जो है वो वहां पर तैनात है। जिसके बाद अब सवाल लगातार इस बात का उठ रहा है कि सिर्फ वहां पर जो है अमेरिका और ब्रिटेन मौजूद नहीं है, तमाम देशों के जहाज भी वहां पर मौजूद है। हुती विद्रोहियों ने भी लाल सागर में जवाबी हमला किया है। सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, लाल सागर में मिसाइलें दागी हैं। हमले के बाद हुती लड़ाकों ने पलटवार किया है और अमेरिका के साथ साथ ब्रिटेन को इस बात की धमकी दी है कि उनके ठिकानों को राख में मिला देंगे। ईरान ने भी अमेरिका को धमकी दे दी है कि यमन में किए गए हमलों का तो वो जवाब देगा। तो यहाँ पर जिस तरीके से यूएस यूके के जॉइंट ऑपरेशन यहाँ पर चला है, लेकिन अब यहाँ पर जवाब भी दिया गया है। देखिए, अमेरिका और ब्रिटेन के हमलों ने यमन में हूती विद्रोहियों की कमर तोड़नी शुरू कर दी है। कहाँ कहाँ हमला हुआ सबसे पहले आपको ये बताते हैं। यमन के बानी में अटैक हुआ है, जहाँ पर हूती का ड्रोन ठिकाना, यहीं से वो निगरानी और अटैक ड्रोन लॉन्च करता है। देखिए, यमन के एक और इलाके की बात करें, एब्स में हमला हुआ, जहां से हूती विद्रोही क्रूज मिसाइलें दागते हैं। यमन की राजधानी सना में 4 जगहों पर हमले हुए हैं, ये हूती के सैन्य ठिकाने हैं। और वहीं उत्तरी यमन के साडा में हमला किया गया, दावा यह किया जा रहा है कि हूती का ट्रेनिंग कैंप यहां पर मौजूद है और हथियारों का गोदाम भी यहीं पर मौजूद है। यमन के बाजिल में भी हमला हुआ है, जहां हूती का अड्डा है। तो ये आपको वो जगह दिखा रहे जहां पर हमले हुए हैं। तो देखिए, यहाँ पर हूती विद्रोहियों के ठिकानों को तबाह कर दिया गया है, लेकिन इराक में भी अमेरिकी दूतावास पर हमला हुआ है। अमेरिकी सूत्रों ने यह दावा किया है कि हमले के पीछे ईरान समर्थित आतंकी संगठन हो सकते हैं, जो इस इलाके में अमेरिकी ठिकानों पर हमला कर रहे हैं। हालांकि देखिए, तस्वीर अब तक साफ नहीं हो पाई है, लेकिन यहाँ पर खुफिया सूत्रों के मुताबिक अमेरिकी सूत्रों ने दावा किया है कि हमले के पीछे ईरान समर्थित आतंकी संगठन है, हूती संगठन भी हो सकते हैं। यमन पर हमला करने के लिए ब्रिटेन और अमेरिका ने अपनी नौसेना और वायुसेना का इस्तेमाल किया है। देखिए, ब्रिटेन के टाइफून लड़ाकू विमानों ने साइप्रस से उड़ान भरी और यमन में हूती के ठिकानों पर हमले बोल दिए। वहीं अमेरिका ने पश्चिम एशिया में तैनात अपनी जंगी जहाजों से मिसाइल हमलों को अंजाम दिया। ब्रिटेन ने अपनी सबमरीन से भी मिसाइलें दागी, जिसने यमन के 2 शहरों में हूती ठिकानों को तबाह कर दिया। हमलों को अंजाम देने के लिए खासतौर पर टॉमहॉक मिसाइल का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो हूती पर किससे हमला किया गया, ये आपको बता रहे, टॉमहॉक मिसाइल का इस्तेमाल किया गया है। साथ ही तमाम जो सेना के लोग हैं वो फिलहाल वहां ग्राउंड पर मौजूद है। ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, अमेरिका और ब्रिटेन की तरफ से ये साझा ऑपरेशन किया जा रहा है। इन सब के बीच में आप ये समझिए कि आखिर यमन की स्थिति जो है क्या होगी। हालांकि यमन की तरफ से साफ तौर पर कहा जा रहा है कि हम अमेरिका हो या ब्रिटेन की सेना खाक में मिला देंगे, लेकिन आने वाले वक्त में इसका पूरी दुनिया पर क्या असर होता है, इसको देखने वाली बात होगी। क्योंकि इससे पहले रशिया यूक्रेन का युद्ध हम देख चुके हैं, साथ ही इसराइल और फिलिस्तीन के बीच जो युद्ध अब भी जारी है वो भी हम देख रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच में तीसरा मोर्चा खुलता हुआ नजर आ रहा है। तो यमन पर हमला करने के लिए ब्रिटेन और अमेरिका ने देखिए जॉइंट यहां पर ऑपरेशन चलाया है। किस तरीके से लड़ाकू विमान, जंगी जहाजों की हम बात करें, ये यहां पर यमन पर हमला कर रहे हैं, लेकिन यमन ने भी पलटवार किया है और कहा है चाहे ब्रिटेन हो, अमेरिका हो, कितनी ही सुपर शक्तियां क्यों ना हो, वो खाक में मिला देंगे। लेकिन अभी ये जंग का अखाड़ा बन चुका है और लोग यहां पर जो है वो डरे हुए हैं। तो लेकिन हवा से लेकर पानी तक किस तरीके से ब्रिटेन और अमेरिका जो है वो लगातार एक साथ संयुक्त जो है ये ऑपरेशन चलाकर यमन को खाक में मिलाने की कोशिश कर रहा है, ये आपको प्लेन टेक ऑफ होते हुए नजर आ रहे हैं। हमने आपको वो तस्वीरें भी दिखाई कि आखिर किस तरीके से अरब सागर के अंदर जो है ये कोशिश की जा रही है कि अब अमेरिका और ब्रिटेन मिलकर हूती विद्रोहियों को किस तरीके से पूरी तरह से समाप्त कर दे। 10 मुल्कों ने किस तरीके से हूती का दम निकाला, हम आपको वो 10 शख्सियत भी दिखा रहे हैं, वो 10 बड़े देश भी दिखा रहे हैं, जिसमें दक्षिण कोरिया, जर्मनी, कनाडा, ब्रिटेन, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, बेरवीन, साथ ही द नीदरलैंड्स और न्यूजीलैंड शामिल है। ये वो 10 जो है बड़े देश है जिन्होंने हूती विद्रोहियों के ऊपर किस तरीके से आक्रमण किया था। तो ये तस्वीरें आप देख लीजिए, इस वक्त जंग का अखाड़ा बन गया है। 10 मुल्कों ने हूती विद्रोहियों, क्योंकि हूती विद्रोही जिस तरीके से लगातार आतंक मचा रहे थे, अब चुन चुन करके हूती विद्रोहियों के ठिकानों पर अमेरिका और ब्रिटेन की सेना मुख्य तौर पर हमला कर रही है।